हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ आज का जो प्रश्न है, टाइप ऑफ वाटर इन अ प्लांट, कि कितने टाइप के वाटर जो है प्लांट में यूज होते हैं। दोस्तों, बेसिकली जो है आप जानते हैं, वाटर का यूज जो है प्लांट में बहुत ही इस जरूरी है, क्योंकि बिना पानी के कोई भी प्लांट जो है चलाना संभव नहीं है। तो देखते हैं कि कौन कौन से कितने टाइप के पानी होते हैं, वाटर कितने टाइप का होते हैं। सबसे पहले रॉ वाटर। रॉ वाटर को हम अगर कहें तो अनट्रीट वाटर इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है दोस्तों अनट्रीट वाटर। और ये जो दोस्तों जैसे रिवर वाटर हुआ, नदी से ही ले लिया गया प्लांट के लिए, या कैनाल वाटर, कैनाल कोई कैनाल बह रही है यानी कि कैनाल से ही उसे उस पानी को उठा लिया, या बोरवेल वाटर, बोरवेल लगा के बोरवेल से अगर पानी उठा रहे हो तो आप जानते हो कि बोरवेल का पानी भी अनट्रीट होता है, कैनाल कैनाल जो जा रही है वह उसका भी पानी हमारा अनट्रीट होता है, रिवर जो है रिवर का पानी भी हमारा अनट्रीट होता है। तो ये सारे जो पानी होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, हमारे रॉ वाटर कहलाएंगे। दूसरा हमारा आता है कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर ट्रीटेड वाटर होता है, इनमें ढेर सारी इम्प्योरिटियाँ होंगी, लेकिन इसमें कूलिंग वाटर में दोस्तों बहुत कम इम्प्योरिटी होगी। और बेसिकली कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री होता है। और दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है ना CW, ये हमेशा याद रखना, जैसे कहीं RW हो जाता है तो रिवर वाटर, CNW हो जाता है, कैनाल वाटर को हम बेसिकली CNW यानी कैनाल वाटर से डिनोट करते हैं, बोरवेल को BW कहते हैं। तो ये छोटे छोटे जो है पॉइंट जो है छोटे शॉर्ट फॉर्म, इनके आपको याद रखना चाहिए। चिल्ड वाटर हो गया, पहला रॉ वाटर समझ गए, कूलिंग वाटर समझ गए, चिल्ड वाटर क्या होता है ये समझिए दोस्तों। चिल्ड वाटर का जो टेम्परेचर होता है 5 से 12 डिग्री के बीच होता है, और इसको शॉर्ट में हम CHW कहते हैं, CHW से हमारा चिल्ड वाटर होता है। चौथा हमारा जो वाटर होता है चिल्ड ब्राइन वाटर होता है, चिल्ड ब्राइन का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों 0 डिग्री से -180 तक होता है। मैंने अपने जो है अपने आंख से 1-180 डिग्री का टेम्परेचर का जो है चिल्ड ब्राइन का टेम्परेचर देखा है। नेक्स्ट है हमारा बॉयलर फीड वाटर। बॉयलर फीड वाटर दोस्तों जानते हो कि जो अपना बॉयलर में जस्ट इन हो रहा है, बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए जो पानी यूज हो रहा है उसे बॉयलर फीड वाटर कहेंगे। और बॉयलर फीड ये जितने भी पानी हैं वाटर हैं उनके सारे पैरामीटर अलग अलग हैं। वो क्यों अलग हैं, कैसे अलग हैं, कौन कौन से पैरामीटर अलग हैं वो आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा डीएम वाटर। डीएम वाटर को हम डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं। दोस्तों बॉयलर फीड वाटर और डीएम वाटर में दोनों में अंतर है, और दोनों में क्या अंतर है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसे देखिए। डीमिनरलाइज्ड वाटर इसको शॉर्ट में DW कहते हैं, बॉयलर फीड वाटर को दोस्तों BFW कहेंगे, चिल्ड ब्राइन वाटर को कहेंगे CHBR। नेक्स्ट है हमारा पॉलिश वाटर। दोस्तों पॉलिश वाटर क्या है, इसकी भी जो केमिस्ट्री क्या है इसके पीछे की, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, उसे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पावर वाटर। पावर वाटर दोस्तों PW जिसे कहते हैं पावर वाटर। पावर वाटर जो है, पावर वाटर बस नाम दे दिया गया है, जैसे हमारा कोई इजेक्टर है, आप जानते हो कि इजेक्टर में हम क्या करते हैं दोस्तों, वैक्यूम क्रिएट कराते हैं। तो इजेक्टर में एक हमारा मोटिव फ्लूड होता है, और एक प्रोसेस फ्लूड होता है। तो मोटिव फ्लूड के लिए हम क्या करते हैं, PW का यूज करते हैं, पॉलिश वाटर का यूज करते हैं। उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, लगभग 12 kg या 13 kg के आसपास उसका प्रेशर होता है, और उतने प्रेशर से जब फ्लो कराएंगे तो सक करके हमारा कोई जो है प्रोसेस फ्लूड आ जाएगा। इजेक्टर क्या होता है कैसा, इसके इस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। पावर वाटर हो गया आपको। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर, RO वाटर। RO वाटर के क्या क्या पैरामीटर हैं क्या नहीं है वो RO प्लांट में जब बताऊंगा तो उस कंडीशन में RO वाटर कि क्या क्या pH कितना रहता है, टोटल हार्डनेस कितना होता है, एल्किनिटी कितनी होती है, ऑयल इंक्रीज उसमें कितना होता है, हार्डनेस कितनी होती है उसकी, TSS उसमें कितना होता है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड या TDS कितना होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा।
नेक्स्ट है हमारा हॉट प्योर वाटर HPW। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉट प्योर वाटर। इसका टेम्परेचर लगभग हमारा 60 डिग्री के आसपास होता है, 60 डिग्री के आसपास HPW हॉट हॉट जो है प्योर वाटर। इसका काम कहाँ होता है दोस्तों? इसका काम हम जो है रिएक्टर में पानी, रिएक्टर में जो पानी यूज होता है दोस्तों, उस पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी किसी भी टाइप को की गैस हमें नहीं चाहिए। कोई ये जैसे रिएक्टर है, रिएक्टर में आपको ये केमिकल को केमिकल घोलना है इसमें, तो उसके लिए आप जानते हो कि पानी यूज करोगे। जब पानी यूज करोगे तो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। जैसे आप सपोज करो कि अगर आप इसमें जो पानी है इसमें फिट कर रहे हो उसमें CO2 है, तो CO2 क्या करेगी दोस्तों? CO2 और जो है इस जो भी इसमें जो पानी रहेगा H2O उसके साथ रिएक्शन करके बना देगी आपकी H2CO3 बना देगी। H2CO3 क्या है? हमारा कार्बोनिक एसिड है दोस्तों। कार्बोनिक एसिड क्या करेगी दोस्तों? एक तरह से एसिड है, एसिड यानी कि पीएच लो करेगी, पीएच लो होगी तो कोरोजन होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन भी ना जाए, कार्बन डाइऑक्साइड भी ना जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पानी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। आप जानते हो कि किसी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जितने भी डिजोल्व ऑक्सीजन हो या डिजोल्व अदर गैस हैं जैसे CO2 हो तुरंत बाहर निकल जाएंगी। तो गैसों को बाहर निकालने के लिए हम HPW का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर भी अपने आप में एक है कि उसमें क्लोरीन कितना होना चाहिए, TDS कितना होना चाहिए, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कितनी होनी चाहिए, वो भी हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ड्रिंकिंग वाटर को हम DW से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूटिलिटी वाटर। यूटिलिटी वाटर दोस्तों इसका भी टेम्परेचर मेनली 30 डिग्री के आसपास होता है और ये अनट्रीट वाटर ही इसे कह सकते हैं। लेकिन यूटिलिटी वाटर इसको इसलिए कह देते हैं कि इसका यूज जो है फ्लोर की सफाई करना है कहीं, या हाथ धुलना है, या जो है नहाने के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं, नहाने के रूप में ये क्लीनिंग के पर्पज से ये होता है, इसलिए इसको यूटिलिटी वाटर यानी कि UW कह देते हैं। सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट वाटर है और इसका सॉफ्ट वाटर का pH कितना होता है, TDS क्या होता है, ये आगे चल के हम बता देंगे। 14वां है हमारा डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर आप जानते हो कि पानी को इवेपोरेट करा के, कंडेंस करा के उसके बाद जो पानी मिलता है उसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है आप देख लेना, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखने में बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर वाटर। हॉर्टिकल्चर वाटर में दोस्तों इसके भी पैरामीटर अलग अलग हैं। जैसे फर्टिलाइजर की अगर बात करूँ, फर्टिलाइजर प्लांट में, तो फर्टिलाइजर प्लांट में जो वाटर होता है हॉर्टिकल्चर वाटर, उसमें कुछ मात्रा में अमोनिया भी होती है, अमोनिया होती है या यूरिया के ट्रेस एलिमेंट होते हैं, यूरिया के ट्रेस पार्टिकल वगैरह, तो वो क्या है, हॉर्टिकल्चर वाटर है। वो जब जाएंगे सिंचाई के लिए या किसी भी तरीके के लिए, तो वो एक तरह से ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ करेंगे और अच्छा खासा जो है उस उनके प्लांट की हेल्थनेस बढ़ाएंगे। या एक तरह से ये सिंचाई का जो पानी है, फर्टिलाइजर से जो पानी जाता है सिंचाई के लिए, उसे हॉर्टिकल्चर वाटर कहते हैं। जैसे फूलों की खेती करनी है कुछ भी तो आप भेज देते हो, तो HW से इसे डिनोट करते हैं, HW यानी कि हॉर्टिकल्चर वाटर। इसके अलावा ब्लो डाउन वाटर होता है। ब्लो डाउन वाटर आप जानते हो कि कहीं भी ब्लो डाउन करना है, चाहे वो बॉयलर में, चाहे वो कूलिंग टावर का ब्लो डाउन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाई TDS, जिनकी TDS लगभग 2000-3000 जिस पानी का होता है उसको ड्रेन करते हैं। तो जब उसे ड्रेन करेंगे हाई TDS वाटर को, तो वो जो है ब्लो डाउन वाटर कहलाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ कॉमन नाम दे दिए गए हैं स्पेशली, जैसे KW, HW, LW। KW मतलब हाई प्रेशर वाटर को KW कह दिया गया है, HW यानी कि मीडियम प्रेशर के वाटर को HW कह दिया गया है, और LW यानी लो प्रेशर वाटर को LW कहा गया है। ये तीनों वाटर जो दोस्तों यूरिया में यूज होते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर में आप जाओगे तो यूरिया में KW, HW, LW से भी डिनोट करते हैं। तो आई होप आपने आप लगभग 18 टाइप के जो हैं, 19 टाइप के जो हैं
19 टाइप के वाटर के बारे में जान के और उनका शॉर्ट फॉर्म क्या है और क्या उनका यूजेज है वो भी एक तरह से आपको मालूम चल गया। अगर कोई और पानी का इसमें टैग छूट रहा है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।